Good morning, dear class two children. This is our AVS class. And children, in today's class, we are going to discuss about the exercises of assessment zone from lesson 13, Our Beautiful Earth. Children, we have already read and understood this lesson. I have explained different landforms and water bodies from this lesson. Hope you all have understood each and every line of this lesson. And now, let us complete the textbook exercises. The first exercise is, pick the correct answer. Children, you all know that in this exercise, you will get three options for each and every statement. And then, you have to choose the correct answer and put a tick mark in the given circle. Okay, the first question is, which landform is good for growing crops? ये दिया गया landforms में से कौन सा landform crops grow करने के लिए, means plants grow करने के लिए बहुत अच्छा होता है? First option is hill, second one is plain, third one is mountain. Children, hills and mountains are not suitable for growing crops because they are very rocky. Both strong पत्थर से बने रहते हैं. So plains are good for growing crops. Okay, इसमें soil part, जमीन का पार्ट, मिट्टी का पार्ट बहुत ज्यादा होता है, दैट इज वाई. सेकेंड वन, विच लैंड फॉर्म हैज वेरी फ्यू एनिमल्स एंड प्लांट्स. दिया गया लैंड फॉर्म्स में से किस लैंड फॉर्म में बहुत कम एनिमल्स एंड प्लांट्स हम लोग देख सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन हिल, सेकेंड ऑप्शन डेजर्ट, थर्ड ऑप्शन वैली, VALLEY, वैली. चिल्ड्रेन, हिल्स एंड वैलीज, ओके, दीज आर नॉट करेक्ट ऑप्शंस. द करेक्ट ऑप्शन इज DESERT, desert. Deserts receive very less rainfall. Deserts है ना, deserts में बहुत कम बारिश होता है. Animals and plants grow होने के लिए ढेर सारा water का जरूरत पड़ता है. So, deserts में, okay, deserts में पानी कमी का वजह से वहाँ बहुत कम animals and plants हम लोग देख सकते हैं. Okay, and next one, third one is, which one is a very large water body? बहुत बड़ा एंड लंबा वाटर बॉडी कौन सा है? पॉन्ड, लेक एंड ओशियन. OCEAN, ओशियन इज द करेक्ट ऑप्शन. अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट वर्ड्स. हियर फॉर ईच एंड एवरी स्टेटमेंट टू वर्ड्स आर गिवन. यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट. लेट अस रीड. मोस्ट सिटीज ऑफ आवर कंट्री आर इन द प्लेन्स और डिजर्ट्स. प्लेन्स में या डिजर्ट्स में, किस में? ज्यादातर अपना देश का सिटीज रहते हैं प्लेन्स. ओके, ओके, मोस्ट सिटीज ऑफ आवर कंट्री आर इन द प्लेन्स. मैदानों में ज्यादा सिटीज आप देख सकते हैं. सेकंड वन, हिल्स आर मेडअप ऑफ हार्ड रॉक्स, सॉफ्ट सॉइल. हिल्स आर मेडअप ऑफ हार्ड रॉक्स, राइट? सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. एंड थर्ड वन, hills are COOLER, cooler, WARMER, warmer than plains. Cooler means tundra, warmer means बहुत गर्मी. Hills है ना, plains से बहुत cool होते हैं. जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर पहुंचते जाते हैं ना, hills के ऊपर, वहां atmosphere बहुत cool हो जाती है. So hills are cooler than plains. मैदानों से hills के ऊपर atmosphere बहुत cool होती है. फोर्थ वन, मोस्ट डेजर्ट्स आर कवर्ड विथ सैंड वाटर. दिस इज द करेक्ट आंसर. यू ऑल नो दिस वेरी वेल. ज्यादातर रेगिस्तान बालू से कवर किया रहते हैं. अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? एंड फिफ्थ वन, द टू साइड्स ऑफ ए रिवर आर कॉल्ड इट्स SHORES, शोर्स, BANKS, banks. रिवर का दोनों साइड्स, ओके, क्या बुलाया जाता है, किस नाम से बुलाया जाता है? BANKS, banks. ओके, रिवर बैंक्स. द टू साइड्स ऑफ ए रिवर आर कॉल्ड इट्स बैंक्स. शोर्स किसको कहा जाता है मालूम है? सी शोर, सी समुद्र का साइड को, शोर कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज, सी राइट द नेम्स ऑफ द लैंड फॉर्म वाटर बॉडी हैविंग द फॉलोइंग फीचर्स. जिस नीचे दिया गया फीचर्स है ना, किस लैंडफॉर्म एंड वाटर बॉडी को सूट करते हैं, उस लैंडफॉर्म या वाटर बॉडी का नेम दिया गया ऑप्शन के सामने लिखेंगे. फर्स्ट वन, अ लेवल एंड फ्लैट लैंड. चिल्ड्रन, अ लेवल एंड फ्लैट लैंड इज कॉल्ड ए प्लेन, PLAIN, प्लेन. मैदान प्रदेश बहुत फ्लैट एंड लेवल रहते हैं.
सेकेंड वन अ रेज्ड लैंड फॉर्म मच लार्जर देन ए हिल, ऊपर उगी हुई ऐसा लैंड फॉर्म है एंड हिल से भी बहुत ये बहुत लंबा होता है. क्या है ये? माउंटेन, MOUNTAIN, माउंटेन्स आर लार्जर देन हिल्स. ओके नेक्स्ट थर्ड वन अ लो लैंड बिटवीन हिल्स. लो लैंड एक हिल है, ये दूसरा हिल है, HILL हिल, ये बीच वाला पार्ट को वैली कहा जाता है. अंडरस्टैंड शीलर? अ लो लैंड बिटवीन हिल्स इज कॉल्ड ए वैली, VALLEY वैली. ओके नेक्स्ट पीपल एंजॉय बोटिंग इन दिस वाटर बॉडी, LAKE लेक, चिल्का लेक, चिल्का झील जाते हैं ना आप लोग, इसमें लेक्स में बोटिंग बहुत अच्छा से एंजॉय करते हैं लोग. फिफ्थ वन अ बिग सॉल्टी वाटर बॉडी इज कॉल्ड एन OCEAN, महासमुंदर बहुत बिग बड़ा वाटर बॉडी है. अंडरस्टैंड चिल्ड्रेन?